नमस्कार, स्वागत है आपका वामा टीवी के प्रोग्राम वामा राशि चक्र में। तो चलिए जानते हैं आज की 12 राशियों का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की, जहां मेष राशि के लोग आज खुद को सुकून और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदिशा में पाएंगे। चंद्र की स्थिति की वजह से आज आपका धन फिजूल की चीजों पर खर्च हो सकता है। अगर आपको धन संचय करके रखना है तो अपने जीवन साथी या माता पिता से इस बारे में विचार विमर्श जरूर कर ले। अपने परिवार को पर्याप्त वक्त दें और उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। उनके साथ अच्छा समय बिताएं और उन्हें शिकायत करने का मौका ना दें। आपके पर्सनल रिलेशन संवेदनशील और नाजुक रहेंगे। आज ऑफिस में आपको कोई अच्छी न्यूज सुनने को मिल सकती है। मेष राशि के जातक आज लोगों से मिलने से ज्यादा अकेले में वक्त बिताना पसंद करेंगे। आज आपका खाली समय घर की साफ सफाई में बीत सकता है। जीवन साथी के खराब व्यवहार का नकारात्मक असर आपके ऊपर भी पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं हम वृषभ राशि की तरफ, जहां इस राशि के लोगों की सेहत आज बढ़िया रहेगी, लेकिन आपकी कोई पुरानी बीमारी आज आपको परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है और आपका काफी खर्च भी हो सकता है। सामाजिक उत्सवों में भाग लेने का मौका है, जो आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के कॉन्टैक्ट में लाएगा। आप आज अपनी लाइफ की दिक्कतों को अपने साथी से साझा करना चाहेंगे, लेकिन वो अपनी दिक्कतों के बारे में बताकर आपको और ज्यादा परेशान कर देंगे। दिन की शुरुआत से ही आप खुद को ऊर्जा से परिपूर्ण महसूस करेंगे। आप आज अपने जीवन साथी को कुछ सरप्राइज दे सकते हैं और अपने सभी कामों को छोड़कर आज आप उनके साथ समय बिता सकते हैं। आपके जीवन साथी की खराब सेहत के चलते आज किसी से मिलने की योजना रद्द हो सकती है। अब नजर डालेंगे हम मिथुन राशि की तरफ, जहां आज आप अपने ऑफिस से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे कार्य करें जिन्हें आप वाकई में करना पसंद करते हैं। आज अचानक से आपके पास पैसा आएगा, जो आपके सभी खर्चों आदि को मैनेज कर लेगा। अपने दिन की कार्यप्रणाली सावधानी से तय करें और ऐसे लोगों से बात करें जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप आज खुद को अपने प्रिय के प्यार से सराबोर पाएंगे और इस लिहाज से आज आपका दिन बहुत ही खूबसूरत रहेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी आपको काफी सहयोग देंगे और उसमें विश्वास की नींव पर नए रिश्तों की शुरुआत करेंगे। जो लोग अपने घर से बाहर रहते हैं, आज वो अपने सभी कार्य पूरा करके शाम के वक्त किसी एकांत जगह पर समय बिताना पसंद करेंगे। आज का दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए सबसे ज्यादा स्नेहपूर्ण दिनों में से एक हो सकता है। अब बारी आती है कर्क राशि की, जहां आज आपके लिए आपकी हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। आपका खुश मिजाज रवैया ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा। आज आपको अपने उन रिलेटिव्स को पैसा उधार नहीं देना चाहिए जिन्होंने आपका पिछला उधार अभी तक वापस नहीं लौटाया है। एक खुशनुमा शाम के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। दूसरों को खुशियां देकर और पुरानी गलतियों को भुलाकर आप जीवन को सार्थक बनाएंगे। ऑफिस में प्यार और सौहार्द का माहौल बना रहेगा। कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। वक्त की कमी के चलते पति पत्नी के बीच निराशा या कुंठा के भाव पनप सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम सिंह राशि की तरफ, जहां सिंह राशि के जातकों का आज ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा रहेगा, जिसका इस्तेमाल आपको अपने अटके हुए कामों को पूरा करने में करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन आज आपके माथे पर शिकन ला सकती है। आज कुछ ऐसे कामों में प्रतिभाग करने के लिए अच्छा वक्त है, जिसमें युवा लोग जुड़े हुए हों। आज आपके लिए बेहद रोमांचक दिन है, क्योंकि आज आपके प्रिय का फोन आएगा। किसी भी तरह की पार्टनरशिप करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से विचार विमर्श कर ले। आज आपके करीबी लोग आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप एकांत में वक्त बिताना पसंद करेंगे। कहा जाता है कि स्त्रियां शुक्र ग्रह और पुरुष मंगल ग्रह के रहने वाले होते हैं, लेकिन आज के दिन विवाहित शुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। अब नजर डालेंगे हम कन्या राशि की तरफ, जहां आज अपना खराब मूड बदलने के लिए सामाजिक मेलजोल का सहारा लें।
आकस्मिक मुनाफे या सट्टेबाजी के जरिए आर्थिक हालात में सुधार होगा। आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे और घरेलू तनाव को दूर करने में मददगार साबित होंगे। आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कोई आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर सकता है। आज का दिन कामकाजी महिलाओं के लिए काफी उत्पादक सिद्ध होगा। आपका स्वभाव ऐसा है कि आप ज्यादा लोगों से मिलकर परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए समय निकालने की कोशिश करने लगते हैं। आज आपको अपने लिए पर्याप्त वक्त मिलेगा और आज आप अपने तनावग्रस्त होने की झल्लाहट को बेवजह अपने जीवन साथी पर निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम तुला राशि की तरफ, जहां आज कुछ क्रिएटिव करने के लिए अपने ऑफिस से जल्दी निकलने की कोशिश करें क्योंकि आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना बन रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपके मित्र और रिश्तेदार आपकी हेल्प करेंगे जिससे आप काफी खुशी महसूस करेंगे। प्यार के नजरिए से आपके लिए यह दिन खास रहने वाला है। अगर आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुरा कर किनारे कर सकते हैं या उनमें उलझ कर परेशान हो सकते हैं, जिसका सिलेक्शन आपको ही करना है। आज आपका अपने जीवन साथी के साथ कुछ ज्यादा विवाद हो सकता है जिसके परिणाम वैवाहिक जीवन के लिए नकारात्मक सिद्ध हो सकते हैं। अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की, जहां वृश्चिक राशि वालों के लिए सेहत से जुड़ी समस्याएं परेशानी का सबब बन सकती हैं। जो योजनाएं आपको आकर्षित कर रही हैं, उनके विषय में गहराई से जानने की कोशिश करें और कोई भी कदम उठाने से पहले जानकार की सलाह अवश्य लें। ऐसे मित्रों के पास जाएं जिन्हें वाकई में आपकी जरूरत है। पार्टनरशिप की परियोजनाएं सकारात्मक परिणाम से ज्यादा परेशानियां देंगी। आज कोई बेवजह आपका फायदा उठा सकता है और उसे ऐसा करने देने के लिए आप खुद से ही नाराज हो सकते हैं। आज के दिन घटनाएं अच्छी तो होंगी लेकिन वो आपको तनाव भी दे सकती हैं और तनाव के चलते आप थकान और दुविधा भी महसूस करेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ प्यार और रोमानियत से भरे पुराने दिन एक बार फिर से जी पाएंगे। अब बारी आती है धनु राशि की, जहां आज सिर्फ सकारात्मक विचारों को ही दिमाग में आने दें। आपके पास आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा और मन में शांति भी होगी। कुछ लोग हद से ज्यादा करने का वादा कर देते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाएं जो सिर्फ गाल बजाना ही जानते हैं और कोई परिणाम नहीं देते हैं। आज आप अपने जीवन की दिक्कतों को अपने साथी से डिस्कस करना चाहेंगे लेकिन वो अपनी दिक्कतों के बारे में बताकर आपको और ज्यादा परेशान कर देंगे। आज आपको लाभ मिल सकता है अगर आप भली भांति अपनी बातें रखें और काम में लगन व उत्साह दिखाएं। खाली वक्त में आप कोई खेल खेल सकते हैं लेकिन इस बीच किसी तरह की दुर्घटना होने की भी संभावना बन रही है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहें। काफी समय से कामकाज का दबाव आपके वैवाहिक जीवन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है लेकिन आज सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं हम मकर राशि की तरफ, जहां आज आपको आउटडोर गेम आकर्षित करेंगे और साथ ही ध्यान योग आपको लाभ पहुंचाएंगे। आपको मिला हुआ धन आपकी सोच के मुताबिक नहीं होगा। घर में खुशी का माहौल आपके सभी तनावों को कम कर देगा। आप भी इसमें शामिल हो जाएं पर मूक दर्शक ना बने रहें। आज प्यार आपको एक नए और अनोखे लोक में ले जाएगा। साथ ही आज आप रोमानी सफर पर भी जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका कोई विपक्षी आज आपके खिलाफ साजिश रच सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आज अपने प्रेमी के साथ वक्त बिता पाएंगे और अपने सामने पैच आज अपने प्रेमी के साथ वक्त बिता पाएंगे और उनके सामने अपनी बातों को रख पाएंगे। अब नजर डालेंगे हम कुंभ राशि की तरफ, जहां आप काम के बीच बीच में थोड़ा रेस्ट भी करें और देर रात तक काम ना करें क्योंकि इससे आपको आने वाले समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज प्रॉपर्टी से जुड़े सभी लेन देन पूरे हो जाएंगे और फायदा पहुंचाएंगे। कार्य क्षेत्र में ऐसे कार्य करें जिनसे आपको खुशी मिलती है लेकिन दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें।
आज संभावना बन रही है कि कोई आपसे अपने प्यार का इजहार कर सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके विपक्षियों को अपने गलत कामों का फल मिलेगा। यह बात हमेशा याद रखें कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। आज आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए कुछ खास करने वाला है। और आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की बात करते हैं, जहां आज अगर आपके लिए मुमकिन हो तो लंबे सफर पर जाने से बचें, क्योंकि लंबी यात्राओं के लिए अभी आप कमजोर हैं और उनसे आपकी कमजोरी और बढ़ेगी। आप आज दूसरों पर कुछ ज्यादा ही खर्चा कर सकते हैं। सामाजिक गतिविधियां काफी मजेदार रहेंगी, लेकिन अपने सीक्रेट्स कभी भी किसी के सामने उजागर ना करें। आपकी आंखें आज चमकने लगेंगी और दिल की धड़कनें भी तेज हो जाएंगी जब आप अपनी सपनों की राजकुमारी से मिलेंगे। आज खुद को रिप्रेजेंट करने का अच्छा वक्त है, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो क्रिएटिव हो। इस राशि के छात्रों के दिमाग में प्यार का बुखार छा सकता है और इस वजह से उनका काफी समय भी बर्बाद हो सकता है। आपका जीवन साथी वाकई में आपके लिए फरिश्तों की तरह है, जिसका आज आपको एहसास होगा। तो ये थे आज की 12 राशियों का हाल। हम कल फिर हाजिर होंगे नए 12 राशियां लेकर। तब तक आप देखते रहिए वामा टीवी। नमस्कार। सब्सक्राइब वामा फॉर मोर।